एक लड़की थी दीवानी सी, खुद को अंजलि कहा करती थी। बास्केटबॉल खेलती थी, कभी भागकर ट्रेन पर चढ़ती थी, पर जब भी मिलती थी मुझसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा करती थी कि कुछ कुछ कैसे हो गया। लेकिन मैं सिर्फ यही कह पाता था, लड़की बड़ी अनजानी है, सपना है सच है कहानी है, देखो ये पगली बिल्कुल ना बदली, ये तो वही दीवानी है। खूबसूरत हर एक्टर की ड्रीम हीरोइन क्वीन हर्सेल्फ काजोल मैम के लिए जोरदार तालियां यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, आप यहां पर आए, प्लीज आप सीट पर विराजमान हो जाइए। अरे वन सेकंड, अरे बट वेयर इज विवेक? मैं वही सोच रही थी कि तीन होने चाहिए लेकिन सिर्फ दो ही हैं अभी। यार ये मुंबई की ट्रैफिक ना, ओहो इतना लेट हो रहा है स्टूडियो पहुंचने में, सब बच्चे वेट कर रहे होंगे। एंड मेनली काजल आ रही है आज। ओ गॉड, ओहो चलो काजोल, ये विवेक जो है ना हमेशा लेट करता है, कभी टाइम पर नहीं आता है, बहुत बदतमीज है। आज लेट्स बिगिन द शो विदाउट हिम, आप आ जाएं, आप हमारे थर्ड जज बन जाएं। जी सही है, यस प्लीज थर्ड जज, जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। मेरी फीफा वाली टीम में मेरी मम्मा कहां से आई, मेरे प्लेस्टेशन की स्क्रीन पर मेरी मम्मा की परछाई हो। काजोल मैम, आपकी प्रेजेंस ने तो मतलब शो की ग्रैंडनेस बढ़ा दी है, शो में चार चांद लगा दिए हैं। पर कुछ लोग और भी हैं जो हमारे ड्रामेबाजों को अपने मॉम डैड से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी हर जिद जो है वो पूरी करते हैं। आप सब समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नहीं समझे? कौन? ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी नाना नानी। तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ग्रैंड पेरेंट्स का। A very grand welcome to the grandparent special of world ka sabse happy show, India's best Dramebaaz. It's powered by Fox, special partner Tata Motors, Sampoorna Seva, technology partner HP Ink Tank Printer. Let's begin the show. Zorlar taliya guys. Insano ki ladai to aap logon ne dekhi hogi, magar kya hoga agar phalon mein bhi ladai ho? Matlab aam aur कीवी की नोक झोंक लेकर आ रहे हैं आसाम की कड़क चाय जैसी कड़क ड्रामेबाज शुभांगी और लुधियाना की ड्रामा क्वीन भाई वही तैयार तैयार कैसा है मेरा सैया इनायत वर्मा। जोरदार तालियां हो जाए। संग संग आवा मिया,
काजुल मैम, कैसा लगा आपको ये एक्ट? मैं सचमुच हैरान हूँ कि बाहुबली कैरेक्टर जो है इतने छोटे से आम में इतने आराम से कैसे फिट हो गया। थैंक यू मैम। आई थिंक ये जो अमेजिंग कीवी और आम का कॉम्बिनेशन कुछ ज्यादा ही टेस्टी पड़ गया मुझे, मुंह में पानी आ रहा है। माइंड ब्लोइंग, ऑसम, क्या बात है। इनू शुभांगी, yes, ma'am. इतना क्यूट एक्ट था ये। थैंक यू। और एकदम जूसी, एकदम मजेदार, लज्जतदार एक्ट था ये। आई लव्ड इट। थैंक यू मैम। सो इन दोनों को भी अपना छोटा सा दिल देना चाहती हूँ। वन फॉर इनू, कैसे? एंड वन फॉर शुभांगी, हाउ? एंड वन फॉर शांतनु, हाउ? बाय। चलिए आते हैं उमंग सर पर। उमंग सर, आपको लिख रहे थे बहुत देर से, देख रहा था मैं।
No comments today. अरे why no comments? Because आज हम draw करके बताएंगे ओहो कि हम feel कैसे कर रहे हैं. This is what the act says. दिल दिल गार्डन गार्डन हुआ और मैंने दे दिया आपको सुपर डुपर हिट. ये ड्रामा नहीं था, कारनामा था. वेरी नाइस, क्या बात है. विवेक की तरफ से भी सुपर डुपर हिट. ऑसम, क्या बात है. ये सुपर डुपर हिट. क्या बात है. सबने तो अच्छा डांस किया, बट इनायत के दादा दादी ने जो डांस किया, आहा. अरे अब चलो स्टेज पर आ जाएं प्लीज. मतलब अब मुझे पता चला इनायत के पास इतना टैलेंट आता कहाँ से है. दादे से. दादे से. दादे से कि दादी से. पीले पीले येलो येलो. तो कैसा लगा दादाजी आपको इनायत का एक्ट. बहुत अच्छा लगा जी. बहुत ही अच्छा. बहुत प्राउड फील कर रहे हैं हम इसको यहाँ पे देख के. इसकी वजह से ही हम आप लोगों को इतनी नज़दीक से देख पा रहे हैं. और नज़दीक से देखना, इधर आना. नहीं दादी जी, आपको ये सिखा दिए क्या घर पर एक्टिंग. बिल्कुल बिल्कुल. कहीं भी डांस वगैरह हो तो दादी ये स्टेप लो, दादी वो लो. तो दादी थोड़ा सा थोड़ा ये स्टेप और वो स्टेप, वो स्टेप दिखा. दादी काजोल मैम के साथ करेगी. अच्छा अच्छा, काजोल के साथ लो भाई. सो स्वीट. दैया रे दैया सिखाओ. हाँ दैया रे दैया आपको सिखाती. प्लीज मैं आपको ना अलग अलग एक्सप्रेशन में सिखाऊंगी. पहले रोते हुए. रोते हुए क्यों. ऐसे मुझे अच्छा, अच्छा लगता है. आप मुझे अच्छा लगता है. पहले मैं आपको करके दिखाती हूँ, फिर आप करना. दैया रे दैया कैसा है मेरा सैया. क्या दैया रे दैया हंसते हुए नहीं रोते हुए. मुश्किल है मेरे लिए. मुश्किल है फिर भी ट्राई करती हूँ. कोई मुश्किल नहीं हो सकता. रोना मुश्किल है. हंसने वाला दे दो. हंसने वाला कर. अच्छा ठीक है प्लीज हंसने वाला. वेरी वेरी गुड. चलो दैया रे दैया कैसा है मेरा दैया. शर्माना मेरे को प्रॉब्लम है, मुझे आता नहीं है शर्म. मैं आपको सिखाऊंगी. अच्छा ठीक है. आप मेरे को प्लीज अच्छी तरह से सिखाना, स्लोली सिखाना. ओके तैयारी दैया. कैसा है मेरा सैया. तैयारी दैया कैसा है मेरा सैया. Thank you, ma'am. Thank you. Inayat ke grandparents, thank you so much. तो चलिए भाई शो को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं अपने अगले. ये क्या हो गया. ला 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 ला. तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए. तेरे इश्क में मेरी जान फना हो.
कोई लेट आए तो ऐसे आए। ए शांतनु, ये बात तो गलत है यहाँ। पूरी सीजन में एक बार मैं लेट आया हूँ और तुम लोग ने उसके पीछे 50 रील की पिक्चर बना दी। मेरा नाम पूरे देश के सामने, पूरी ऑडियंस के सामने और खासकर काजल के सामने मेरा नाम खराब कर देगी मैं लेट आता हूँ। हेलो 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 विवेक सर, क्या कर रहे हो आप यार? क्या तरीका है ये? टाइम देखिए, आप लेट क्यों आए हो यार? काजल मैम आई हुई है, शो शुरू हो गया है। इसका जवाब मेरे पास है। बड़े बड़े रियलिटी शोज में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं संगीता। सॉरी, दाल नहीं गलने वाली है। ओहो, प्लीज प्लीज माफ कर दो। देखो मैं बता दूं मैं क्यों लेट हुआ। मैं आ रहा था प्लेन से। मैं आ रहा था प्लेन से और जैसे यहाँ पहुंचा रनवे पे एक्सीडेंट हो गया। नहीं, मेरे सामने हेलीकॉप्टर लेके एक लड़का खड़ा था। हेलीकॉप्टर? हाँ, और वो कहने लग गया यार मुझे अंदर जाना है। मैंने कहा भाई साहब आपको क्यों अंदर जाना है? कहता मेरी मम्मा अंदर है। हाँ, ये और बाहर रोने लग गया ऐसे 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 कि मेरी मम्मा अंदर है, मुझे हेलीकॉप्टर लेके आते हैं। मैंने कहा अच्छा भाई रुक जा यार, आ जा मेरे साथ चल अंदर। कहाँ छोड़ के तो आ गए आप उसे? कहाँ गए? ओए हेलीकॉप्टर वाले बच्चे, और बच्चा भी आ गया। ओके, वेलकम टू द शो मैन। थैंक यू सर। दाढ़ी मुच्छी वाला बच्चा लेट है, लेट है। मैंने बोला था सुबह जल्दी उठने के लिए ना, क्यों लेट हुआ? The problem is just like the helicopter. My mother keeps on roaming around me, flying around me. So I मुझे नहीं आना था उनके साथ बस। अरे जोरदार तालियों से स्वागत करें यंग एंड टैलेंटेड एक्टर, 19 साल की उम्र में इसे नेशनल अवार्ड मिला है का यार। दीदी आप आइए बैठिए हमारे दाएं बाजू के साथ। जोरदार तालियां हो जाए भाई विवेक आनंद ओबेरॉय के लिए। काजल मैम, जैसे हम लोग ने आपकी मूवी का ट्रेलर देखा है हेलीकॉप्टर ईला का, तो उसमें आपके लिए टिफिन बहुत ज्यादा डब्बा बहुत ज्यादा आपके करीब है। ये जो सिचुएशन है ना उसी से इंस्पायर होकर एक एक्ट आ रहा है आपके सामने जो कि लेकर आ रहे हैं हर्षराज लकी एंड एंजेलिका। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो चलता है, लेकिन सुबह का भूला अगर शाम को टिफिन भूल आए तो बिल्कुल नहीं चलता है। कभी खुशी कभी गम, टिफिन की आरती उतर रही है। आज भी आपके टिफिन की बहुत याद आती है। रोज शाम को आप टिफिन लाते थे लेकिन अब माँ माँ तूने अभी तक मेरा खाना पैक नहीं किया। माँ मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। माँ अरे हाँ हाँ बेटा, मैं तेरा खाना तो पैक कर दूँ पर तेरा टिफिन कहाँ है? ला। ओ कुमार कुरेशी ओबेरॉय देवगन इन सब के बच्चे बड़े टैलेंटेड होते हैं, कभी टिफिन नहीं भूलते। मां डिब्बा ही तो है, खजाना थोड़ी ना है। दो डिब्बों की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? मां मेरा नाम रमेश नहीं राहुल है। देखा देखा देखा, मैं एक दिन तेरा नाम क्या भूल गई, तुझे दिक्कत हो गई। तू रोज के रोज मेरा डब्बा भूल जाता है। सोच, तू रोज रोज टिफिन भूल जाता है, मुझे कैसा लगता होगा? माँ तू दो डिब्बों के लिए मुझे इतना क्यों सुना रही है? ढक्कन जैसी औलाद क्या समझेगा इस डब्बे की कीमत? क्या है? मैं जा रहा हूँ।
ये नहीं आना वापस। मार रंगोली क्यों बना रही है? चुप! याद रहे, इस दहलीज को तब तक मत लांघना जब तक मेरे एक एक डिब्बे का हिसाब ना हो जाए। एट्थ क्लास में 50 टिफिन, 10th क्लास में 100 टिफिन, 12th क्लास में 12 टिफिन और इससे पहले वाली नौकरी में 13 टिफिन इज इक्वल टू 400 टिफिन। 400 टिफिन भूल गया, पता नहीं औलाद पैदा हुए या गजनी। लेकिन आज मेरे लाल, मेरे पीले टिफिन आएंगे। मेरे लाल, मेरे पीले टिफिन आएंगे। मेरे लाल। माँ, बहुत जोर की भूख लगी है, खाना लगा दो। मेरे टिफिन लाया कि नहीं? मेरे टिफिन लाया कि नहीं? वो मैं एक्चुअली टिफिन नहीं लाया ना। वाह, ये टिफिन तो इतना ही प्यारा है, तू मुझे मत दिया करना खाना। ए, मैं तुझे टिफिन देना भूल जाऊं ऐसा हो नहीं सकता, और तू टिफिन लाना भूल जाए ऐसा मैं होने ना आई दूंगी। मेरा टिफिन कहाँ है? वो मैं एक्चुअली मेरा टिफिन। तेरा टिफिन नहीं, मेरा टिफिन। And my tiffin is my tiffin, none of your tiffin. और मैं क्या टिफिन? माँ, माँ तू ये ले, ये ले, ये ले पैसे और जाकर एक नया टिफिन ले आ। पर मुझे परेशान मत कर। मेरे टिफिन के बदले पैसे। माँ, तूने क्या हुआ? माँ, तूने क्या हुआ? अपनी आँखें खोल माँ, अपनी आँखें खोल। हेलो, हर्ष, राज, लकी, सबको बता दो कि मेरी टिफिन ले है। मेरी माँ की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, उन्हें सख्त टिफिन की जरूरत है। टिफिन की जरूरत? माँ, अपनी आँखें खोल माँ, अपनी आँखें खोल। टिफिन, टिफिन, टिफिन। सर्वे के अनुसार भारत में प्रति मिनट 10 में से 8 बच्चे अपना टिफिन भूल रहे हैं। अगर ऐसी ही हालत रही तो आने वाले समय में हिंदुस्तान टिफिन लेस हो जाएगा। सेफ टिफिन, सेफ टिफिन, सेफ टिफिन। क्या बात है यार, मजा आ गया यार, फैंटास्टिक, क्या बात है। तो इला, आपको कैसा लगा ये टिफिन भरा एक्ट? दिस इज अ पब्लिक सर्विस दैट यू हैव डन। आज आपने जो किया है वो एक पब्लिक सर्विस मैसेज है। मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, अपने माँ के डब्बे वापस कर दो। क्या लाइनें थी, इट वॉज फैब्यूलस। हर शॉट में मुझे ऐसा लग रहा था कि ओ गॉड, ये पिक्चर का एक शॉट है या होना चाहिए। मैं बीच बीच में वृद्धि की तरफ देख रही थी, एक्चुअली कुछ सोच रही थी, याद आया, याद आया।
डब्बा 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 दिस इज द ओनली एक ही शब्द था जो पूरे सेट में आई हर्ड दैट डब्बा ये शब्द क्यों ऐसा क्यों क्या करती थी मैम थ्रू आउट द मूवी पूरे पिक्चर में दिस इज सिचुएशन कीप्स ऑन कमिंग बैक विवान मेरा डब्बा कहाँ है डब्बा कहाँ है डब्बा कहाँ है मैम आपसे ये भी पूछना चाहूंगा कि आप खुद अपने बच्चों के भी डब्बे पैक करती हैं मैं खुद नहीं लेकिन हाँ मैं जरूर नजर रखती हूँ और okay. हाँ मेरे बच्चों को भी बहुत डांट पड़ी है क्योंकि उनकी भी ये बहुत बदतमीज आदत है अपना डब्बा अपने स्कूल में भूलने की oh. तो हाँ तो उस पर भी डांट पड़ी है झगड़े हुए हैं और डब्बा क्यों नहीं लेके आया व्हाट इज दिस नॉनसेंस तो आई एम वेरी फेमिलियर विथ द स्कूल का जो लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट है वो मुझे बहुत बहुत पर्सनली जानता है दोस्त आना जाना लगा रहता है कोई तो चलिए फिर डब्बों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और पूछते हैं विवेक भाई आपको ये डब्बों का एक्ट कैसा लगा फैंटास्टिक एक्ट जबरदस्त मजा आया एंड आप दोनों की कॉमिक टाइमिंग सुपर्ब थी इट वाज ट्रूली एंटरटेनिंग मुझे भी अपने बचपन की याद आ गई सुपर थैंक यू सर थप्पड़ याद आए डब्बे याद आए थप्पड़ भी आए गाली भी याद आई सब याद आए हाँ मैं कहना चाहूंगा ये ड्रामा नहीं कारनामा था मेलोड्रामा था अब्बा जब्बा डब्बा ऑलरेडी सीधा मतलब सुपर डुपर हिट मिल गया है वेरी नाइस सब एक दूसरे की लाइन बोल रहे हैं तो मैं भी बोलता हूँ अच्छा सर हमारा दिल छू लिया सुपर सुपर परफॉर्मेंस फैंटास्टिक एक्टिंग एंजेलिका हर्ष थैंक यू सर सुपर डुपर हिट सुपर डुपर हिट क्या बात है सुपर डुपर हिट मिल गया न्यू गजब से तो मैंने काफी देखा है काफी कुछ आप कैसे कैलकुलेट करती हैं कोई जादू टोना तो नहीं है ना नहीं मैम नहीं रियल है ना यस मैम तो मैं टेस्ट करना चाहती हूँ आपको मेरे पास कुछ है मैंने कुछ लिखा है मैंने कुछ कैलकुलेट किया है तो आपको यू हैव टू गिव मी द क्विकेस्ट आंसर दैट यू कैन ओके आपको कुछ कुछ होता है फिल्म में बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद था ना हाँ तो मैम मैं आज आपकी तरह बास्केटबॉल भी खेलूंगी कैलकुलेशंस भी करूंगी क्या बात है अंजलि अंजलि अंजलिका अंजलिका वेरी नाइस चलो अंजलिका 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 बास्केटबॉल रेडी है यस ओके ऑन योर मार्क गेट सेट Go. 73 plus 19 plus 54 minus 43 plus 24 plus 45 equals 172. कैलकुलेटर गलत हो गया चलो वाच मो वाच मो वाच मो चलो 62 minus 33 plus 75 minus 13 plus 87 minus 64 minus 58 minus 14 plus 34 plus 23 99 Whoa! 99 kya baat hai yaar awesome yaar ye huma kya kar rahi hai hamare mein sirf 99 laga ke wait kar rahi hai kab 99 aayega result pichli baar bhi 99 tha is baar bhi 99 maine yahan pe 99 ek dekh liya Amazing, amazing, Angelica. Amazing, amazing. बहुत 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 mind blowing है और touch wood आप बहुत 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 सारा कुछ कर सकेंगे इसके साथ. I hope and play. बनिए की दुकान पे मत बैठ जाना. क्या बात है? मेहनत और लगन से इंसान हर मुश्किल आसान कर सकता है. और ऐसी ही मिसाल है भारत की बेटी हीमा दास. जिनकी कामयाबी की कहानी को दिखाने आ रही हैं आकोला की शान स्निग्धा देशमुख और दादी का दुलारा आपला पुनेकर अनीश रॉयल का जोरदार तालियां हो जाए एक पिता के लिए वो दिन सबसे बड़ा होता है जिस दिन वो उसकी बेटी के नाम से जाना जाए मेरे लिए वो दिन आ जाने वाला है
क्योंकि कभी मेरी उंगली पकड़कर मेरे साथ चलने वाली मेरी बेटी आज अपने देश के लिए दौड़ने वाली है। आज मेरे साथ साथ करोड़ों भारतीयों की निगाहें मेरी बेटी हिमा दास पर टिकी हुई है। हिमा उस दिन रेसिंग ट्रैक तक तो पहुंच गई, लेकिन जितना सीधा और साफ ये रेसिंग ट्रैक दिखता है, हिमा का यहां तक पहुंचने का सफर उतना ही टेढ़ा मेढ़ा और मुश्किलों से भरा हुआ था। देवता आ गई खेल के। हाँ देवता, रसोई में अपनी माँ का हाथ बटाना नहीं बनता, वहाँ उस बड़ी सी गेंद के पीछे भागती रहती है। अब नहीं भागूंगी माँ, कोच सर कहते कि मैं किसी के पीछे भागने के लिए नहीं, दुनिया से आगे भागने के लिए बनी हूँ। मतलब ये कि वो चाहते हैं मैं अपनी दौड़ पर ध्यान दूँ। अब बस यही सुनना बाकी रह गया था। घर का काम करने को बोलो तो भाग जाएगी, रसोई का काम सिखाओ तो भाग जाएगी। अरे मेरी माँ, इस बार मेडल लेने के लिए भागूंगी। तेरा ये मेडल हमारा पेट भर सकता है? तेरा मेडल हम 8 लोगों के लिए भात लेकर आएगा? अरे जाने दो, खेलने कूदने की उम्र इसकी। ठीक है, जब सर पर बैठेगी ना तब पता चलेगा। तेरे इस भाग दौड़ के चक्कर में घर के कामों पर कोई असर नहीं आना चाहिए। देवता कोई बात नहीं, चली जा। हेलो हेलो, रंजीत दास जी बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। बाबू मैं हिमा का कोच बोल रहा हूँ। जी सर बोलिए। देखिए बाबू, जिस तरह से हिमा दौड़ रही है उसे इंटरनेशनल रेसिंग में जरूर हिस्सा लेना चाहिए। जी जरूर। लेकिन उसको ट्रेनिंग के लिए गुवाहाटी आना पड़ेगा। गुवाहाटी? लेकिन सर हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम हिमा को गुवाहाटी भेज सके। बाबू आपको पता नहीं है कि हिमा इस देश के लिए क्या है और क्या हो सकती है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर, लेकिन मेरे घर में 8 लोग हैं और कमाने वाला सिर्फ मैं। हिमा की मदद मुझे खेतीबाड़ी में हो जाती है, और आपको तो पता है सर, बच्चे हमारे लिए काम करने वाले दो हाथ हैं। सर मैं आपसे माफी चाहता हूँ, मैं हिमा को नहीं बेच सकता। हेलो रंजीत बाबू, बाबू देवता, देवता मेरे सिर्फ दो हाथ नहीं दो पैर भी हैं, एक बार जाने दीजिए ना देवता, एक बार हाँ कर दीजिए ना, पता नहीं फिर ऐसा मौका मिलेगा या नहीं। इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, बस एक बार दौड़ने दीजिए ना, एक बार दौड़ने दीजिए। देखी माँ तू जाना, लेकिन एक वचन दे, सिर्फ भागने के लिए मत दौड़ना, जीतने के लिए दौड़ना। देवता कुछ ही दिनों में मैं अपने कोच सर के साथ गुवाहाटी चली गई। सिर्फ 1.5 साल में वो अपने मेहनत और लगन से वहां पहुंच गई जहां पहुंचने के लिए लोग सालों लगा देते हैं। सुनो जुमाली जल्दी आ जाओ, रेस शुरू होने वाली है। और इसी के साथ सिग्नल मिलते ही सारे रनर्स निकल चुके हैं।
और सभी खिलाड़ी अपने जी जान लगाते हुए, सभी देश अपने आप को आगे आने के लिए बहुत तेज दौड़ते हुए ट्रैक नंबर 4 पर भाग रही हैं इंडिया से हिमा दास। ऑस्ट्रेलियन एथलीट एला कॉनली ने बढ़त बना ली है। वो आ गई। सारे रेसर्स अपनी जान लगाते हुए, पर लगता है ये आज किसी को आगे नहीं निकलने देगी। और इसी के साथ अमेरिकन चैंपियन टेलर मेंशन आगे बढ़ती है, पर ये क्या, अब सबसे आगे आ चुकी है हिमा दास, एक इंडियन एथलीट। वो लाइन की तरफ तेजी से बढ़ती हुई, आज तक कभी किसी इंडियन ने ये कॉम्पिटिशन नहीं जीता है। हिमा दास फिनिशिंग लाइन की तरफ जोरों से आगे बढ़ती हुई। हिमा दास इस दौड़ की आखिरी लाइन को देख सकती है, हिमा दास हिंदुस्तान के इतिहास को देख सकती है, और इस कॉम्पिटिशन की विजेता है हिमा दास, जिन्होंने 51.47 सेकंड में इस रेस को फिनिश किया। हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन, हिंदुस्तान को बहुत बहुत बधाइयां। देवता, ये आपके लिए। Nice, yeah. Awesome performance, sir. Seriously, fantastic, yeah, fantastic. I was, क्या कहूँ? I think कहीं ना कहीं हाँ, आप तीनों बच्चे हैं, लेकिन I think पहले dialogue या दूसरे dialogue के बाद हम कहीं ना कहीं भूल गए कि आप लोग बच्चे थे. क्या बात? Yes. हम लोग भूल गए and wow. इतना हम लोग story में घुस गए कि आप सबने वो एक कहानी जिंदा कर दी हम हमारे लिए, तो really hats off to that. Thank you, ma'am. मुझे लगता है कि हमको, हमारी जो औरतें हैं, हमारी लड़कियां हैं, हमारी बेटियां हैं, उनको कभी कम नहीं समझना चाहिए, उनको उतने ही चांसेस देने चाहिए, उतना ही बढ़ावा देना चाहिए जो हम अपने बेटों के लिए रखते हैं. और जो हिमा दास ने किया है, that is amazing, outstanding. जो आप तीनों ने दिखाया है, hats off. क्या बात? ये एक्ट बहुत ही दिल को छूने वाला एक्ट था, और कितनी सारी बच्चियां हैं जो इस एक्ट को देखकर प्रेरित होंगी और बोलेंगी आई वांट टू बी एन एथलीट एंड व्हाई नॉट. और मेरे लिए इस एक्ट में मास्टर स्ट्रोक है अनीश, क्योंकि एक 45-50 साल के बाप की दुविधा जो एक गांव में है और अपनी बेटी के लिए सपने देखना चाह रहा है और क्या चीजों से गुजर रहा है, किस दौर से, और वहां से लेकर उसका जो एक गर्व महसूस होना, बेटा फैंटास्टिक यार. थैंक यू. क्या बात है. कितना प्राउड फील कराया आपने हमें कि ये तो ड्रामा था ही नहीं, कारनामा था. सुपर डुपर है.
अनीश, आप किसके साथ आए हो आज? दादी. दादी इतनी खूबसूरत लग रही हैं आज. ओहो, चमक रही हैं दादी. वाह वाह वाह. तो दादी बताइए, अनीश कैसा है घर पे? बदमाश है, नॉटी है, पढ़ाई में ध्यान देता है? ये वो जो 3 महीने का था तब से मेरे पास ही रहता है. इनके पापा है ना, वो काम पे लगे रहते. मम्मी पढ़ती है और जॉब भी करती है, इसीलिए वो मेरे साथ ही खाना खाता है, मेरे साथ ही सोता है, मेरे साथ ही सब कुछ करता है. अरे वाह. दादी मुझसे बहुत क्लोज है और जब तक मैं स्कूल से नहीं आता तब तक दादी लंच नहीं करती. हाँ. और रोज रोज मेरा पसंदीदा खाना मुझे बना के देती है. और मैं मम्मी पापा से बहुत डरता हूँ क्योंकि मुझे वो सपोर्ट नहीं करते, पर दादी बहुत सपोर्ट करती है. क्या मतलब नहीं सपोर्ट करते हैं बेटा? मम्मी डैडी एक्टिंग में सपोर्ट नहीं करते. वो बोलते हैं एक्टिंग कुछ काम की नहीं है, खाली स्टडी करो. इसीलिए मैं चाहती हूँ इसके मन में जो है वो करने दे, इसीलिए मैं इसको सपोर्ट करती हूँ. दादी मैं कहना चाहती हूँ कि आप जैसे अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं, आई थिंक बहुत ही अच्छी चीज़ है. और सब माँ बाप को बेसिकली हमारे बच्चों के सपने जो हैं वो सपोर्ट करने चाहिए, क्योंकि उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है. तब को आपके जैसी दादी मिले. दादी बिल्कुल बिल्कुल कमाल हैं आप. दादी हो तो ऐसी. दादी हो तो ऐसी. एक भिखारी की अनोखी प्रेम कहानी लेकर आ रहे हैं कॉमिक टाइमिंग की घड़ी, हर्षराज लकी और एक्टिंग एंड डांसिंग की कॉम्बो पैकेज दीपाली बोरकर. आपका काम कल हो जाएगा. हाँ ओके. भैया भैया भैया, कितनी गरीबी है इस दुनिया में. ये लो बेटा 5 रुपए, वड़ा पाव खा लेना. ए, ये क्या है? बेटा 5 रुपए है, वड़ा पाव खा लेना. तो रख ले अपने पास और निकल यहाँ से. कितनी बदतमीज लड़के रे, अच्छी खासी हट्टी कट्टी तो है, जाके नौकरी कर पैसे कमा. इधर कितना कमाता है रे? 20,000. शर्म से डूब मर. रुक जा, ये देख 50,000 कमाती है मैं. और क्या बोल रहा था? वड़ा पाव. ये देख बर्गर का. वैसे आपको कहीं लगा तो नहीं ना, पूरे 10 रुपए का चूना लगा है सिरकट. तूने मेरे चिल्लर अपने कटरे में जो डाल लिए. चल बेबी चल, आज से मेरे सारे चिल्लर तेरे हो गए. वैसे तू मिस वर्ल्ड बन सकती है. हाँ? इतनी खूबसूरत है मैं. अरे नहीं नहीं, मिस वर्ल्ड मानूसी चिल्लर
चिल्लर के नाम में एक चिल्लर है और तेरे पास तो चिल्लर ही चिल्लर है। फिर कोई तेरा नाम क्या है रे? बाबा, संजू बाबा। अरे वो वाला बाबा नहीं रे, भगवान के नाम पर दे दे बाबा, भगवान के नाम पर दे दे बाबा। और सुन ना, तेरा नाम क्या है? माई। अरे ध्वनि संचालक काका, ये वाली माई नहीं, भगवान के नाम पर दे दे माई। चलेगी माई, पैसा ही क्या तेरे पास? अरे नहीं नहीं, पहले पी लेंगे, फिर जो वहाँ बैठा होगा उसके सामने हाथ फैला देंगे। जो दे दे उसका भला और जो ना दे तो उसकी जेब पे कैंची चला। वैसे कौन से घराने की भिखारी ना तू? मैं लोखंड वाला घराने की भिखारी हूँ। और तू? मैं अंधेरी स्टेशन का भिखारी हूँ। मैं तुम्हारी मांग भरने से पहले जी भर के मांग लेना चाहता हूँ। भिखारी कहीं का? हाँ हाँ, मैं हूँ भिखारी, लेकिन कोई भी इंसान अपनी माँ के पेट से भिखारी पैदा नहीं होता। उन्हें भिखारी बनाती हो तुम लड़कियाँ। पहले बहनों को राखी का गिफ्ट दे, फिर गर्लफ्रेंड को बर्थडे का गिफ्ट दे। हमें लुटेरी बनाती है ये मॉल, ये ब्रांड्स, ये हाई हील्स के शूज, ये फैशनेबल महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे पर्स, एक्सेसरीज, ज्वेलरीज, लिपस्टिक्स, आईलाइनर, इयररिंग, नोज रिंग, एंगलेट ब्रेसलेट, परफ्यूम, स्लिंग बैग, ऑफिस बैग, क्लच बैग, डफल बैग, स्लिंग बैग। एंड देन वी हैव टू बैग। सैल्यूट है आप दोनों को, सुपर एक्ट। थैंक यू सर, सुपर 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 एक्ट। क्या बात है, थैंक यू सो मच सर। आपकी जो तालमेल है, डायलॉग डिलीवरी है, इट्स फैंटास्टिक। मेरे लिए ये सबसे बेस्ट एक्ट था आज तक। वो सबसे बेस्ट एक्ट, क्या बात है। ड्रामा तो था ही नहीं, गया भाड़ में ड्रामा। ये था कारनामा था। आई थिंक सब ने बहुत बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, माइंड ब्लोइंग, ऑसम। दीपाली आपने जो बोला था ना, एक के बाद एक के बाद एक्सेसरीज, वो बैग 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 बैग। मैं क्या सोच रहा था कि ये हम शांतनु से कराएंगे। क्या कर रहे एक बार रिपीट कर दो जो दीपाली ने कहा। ये हाई हील्स के शूज, ये फैशनेबल महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे पर्स, एक्सेसरीज, ज्वेलरीज, लिपस्टिक, आईलाइनर, इयररिंग, नोज रिंग, एंगलेट ब्रेसलेट, परफ्यूम, स्लिंग बैग, ऑफिस बैग, क्लच बैग, डफल बैग, जिम बैग, हैंडबैग। एंड देन वी हैव टू बैग। हां हुमा, जरा ध्यान से सुनना, ओके? हुमा, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, लिपस्टिक बहुत ब्यूटीफुल है, आप लग रहे बहुत अच्छे हो, साड़ी बहुत चमकदार पहनी है, कॉफी जो पी रहे हो उसमें छा रहे हो, और मेरे साथ क्या आज वापस आ रहे हो? यार जो भी है, मेहनत तो की है उसने, लड़का प्यारा भी लग रहा है आज बहुत। हाँ वेटर तो लग रहा है वैसे। अच्छा लग रहा है बच्चा यार, कम ऑन। बाल भी कटवाए हैं। हाँ अच्छा, मतलब नोटिस कर रही हैं आप सब चीजें। शांतनु, यस, ये एक्ट रियल एक्टिंग का कीड़ा वाला एक्ट था।
तो मेरा मन करता है कि इन दोनों का ऑटोग्राफ अभी के अभी ले लूं मैं। थैंक यू सर। तो ठीक है भाई, निकालता हूँ अपना HP स्मार्ट ऐप और सीधा इनकी फोटो खींचकर प्रिंट पर डाल देता हूँ। ओके, तो भाई आपसे ऑटोग्राफ नहीं दोगे, इसके साथ आपको मिलता है HP इंक टैंक प्रिंटर। तो भाई अब प्रिंट पे फिकर। ओह फैंटास्टिक, ये इसे बोलते हैं हैप्पी स्माइल। अब स्टेज पे दीपाली की नानी जी को बुलाएंगे। हाँ जी, नानी जी आ जाओ। चमकती हुई नानी आ रही है। नाना आप भी आइए, ऐसा थोड़ी होगा। नानी कैसा वाटला तुम्हारा? बोलो ना, कायतरी बोलो ना। दीपाली का ये परफॉर्मेंस देख के मैं बहुत बहुत खुश हूँ। क्यों, आप इतने खुश क्यों हो? वो है वैसी। ये मेरे गोद में किया खेली हुई है, मेरे हाथ का खाना खाई, इतनी सी लड़की इतनी बड़ी हो गई, मुझे वो भी ये स्टेज पे आई परफॉर्म कर रही है, डांस कर रही है, एक्टिंग कर रही, उसकी वजह से मैं यहाँ तक आई, ये मैं सपने में भी नहीं सोच। क्या बात है। नानी और नाना मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। जैसे मेरा इधर परफॉर्मेंस होता है तो मैं नानी को फ़ोन करती हूँ और बोलती हूँ कि अभी मेरा परफॉर्मेंस होने वाला है, तो नानी तो इधर नहीं है, तो फिर मैं उनको बोलती हूँ मैं इधर से ही आपके पैर पड़ रही हूँ, और मतलब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देती है कि सब कुछ ठीक होगा और तू अच्छे से करेगी, तो फिर मुझे थोड़ी और एनर्जी मिलती है। और मैं आज इस लेवल पे हूँ वो मेरी नानी की वजह से, क्योंकि नानी ने जिद की थी, मम्मी को बोला था कि उसको उसका सपना पूरा करना है। क्या बात है। नाना जी आपने कुछ नहीं बोला दीपाली के बारे में। बहुत मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पर आया तुम्हें, उसको देख के स्टेज पे, उसका एक ही सपना था कि उसको खुद का मकान होना चाहिए बस। और वो करेंगी, वो ऐसा लग रहा है मेरे को, बहुत मेहनत करती हो। अच्छा, करके मेरे मम्मी को गिफ्ट देना चाहती हूँ कि मैं एक खुद का अपना घर बनाऊं और दीदी को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। क्या बात है। और ये वो ऑडिशन लेती थी, परफॉर्मेंस करती थी, ये तो सबसे वो कुछ मिलता तो वो घर में सपोर्ट करती थी, मुझे भी ये साड़ी उसने भी ला के दी। नाना को भी सफारी उसने भी दी। अरे? सफारी भी उसने ही सिलवाया। 12 साल की उम्र में कौन बच्चा ऐसे सोचता है यार, बच्चे नॉर्मली अपने टॉयज, अपने ड्रेस, अपना ये अपना वो, इतनी निस्वार्थ भावना होना क्या बात है यार, ग्रेट दीपाली, ग्रेट। थैंक यू सर, भगवान आपके सारे सपने पूरे करे। थैंक यू नाना, थैंक यू नानी, थैंक यू शो मचाने के लिए। ग्रैंड पेरेंट्स और बच्चों का जो रिश्ता है ना, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता है, और इसी रिश्ते को और गहराइयों से समझाने आ रहे हैं भोली सी सूरत, शराफत की मूरत, हिमाचल से सोहम वर्मा, और उनका साथ देंगी इमोशन की टंकी यानी कि जोया शाह, और बातों की दुकान दादा दादी की जान गर्वित पारे। ए ए बी बी, ठीक से लिख शैतान। सी थी। बस दादी मुझे और नहीं पढ़ना। राजू अच्छा थोड़ा सा कर ले, थोड़ा सा। राजू अच्छा होमवर्क पूरा कर ले। राजू रुक, पहले पकड़ो। अच्छा अभी पकड़ती हूँ। राजू रुक रुक, अपनी दादी को भगाएगा, रुक। राजू दादी, दादी क्या हुआ? जा दादू को बुला के ला। दादू क्या हुआ? कौशल्या, कौशल्या क्या हुआ तुम्हें? तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसा कोई काम मत क्या करो जिससे तुम थक जाओ? अपनी सेहत की कोई चिंता है कि नहीं? कभी सोचा है
अगर तुम चली जाओगी तो फिर मेरा क्या होगा? दादू, दादी कहाँ जा रही है? भगवान के पास? नहीं बेटा, तुम्हारी दादी कहीं नहीं जा रही है। बेटा मैं ठीक हूँ, जा मेरे लिए पानी ले आ। आपने उससे झूठ क्यों बोला? तो क्या कहता उसे कि उसकी दादी को ब्रेन ट्यूमर हुआ है, जिसका सही वक्त रहते इलाज नहीं हुआ तो उसकी दादी और उसके दादू कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास ऑपरेशन के 10 लाख रुपए नहीं है। और ऊपर से तुम मेरी कभी सुनती कहाँ हो? तुम्हें मना किया है ना, फिर क्या जरूरत है राजू के साथ ऐसे खेलने की? मैं मरने से पहले अपने पोते के साथ जी भर के खेल लेना चाहती हूँ। अरे कुछ नहीं हुआ है तुम्हें। अब ब्रेन ट्यूमर को कुछ नहीं कहते हैं? अरे कुछ नहीं हुआ है तुम्हें, ठीक हो जाओगी तुम। तो भगवान का कोई चमत्कार ही मुझे बचा सकता है। दादी पानी। अब चलो अपने कमरे में जाकर आराम करो। चमत्कार? चमत्कार कहाँ मिलेगा? पर चमत्कार के लिए तो पैसे भी चाहिए। एक, दो, 9, 10, 23। वाह, सिर्फ 23 रुपए, जिससे मैं दादी के लिए चमत्कार खरीदूंगा। लगता है दादा दादी सो रहे हैं, मैं फट से चमत्कार ले आता हूँ। अंकल अंकल, मेरी दादी बहुत बीमार है, दादी कहते हैं वो चमत्कार से ठीक हो जाएंगी। क्या चमत्कार? हाँ। अच्छा बेटा ये बताओ, चमत्कार छोटे डब्बे में दूं या बड़े डब्बे में? अंकल मेरे पास ये 23 रुपए है, 23 रुपए में जितना चमत्कार आता है वो दे दो। अच्छा, भीख मांगने का नया तरीका ढूंढा है तुम लोगों ने। और सुनो, चमत्कार चाहिए ना तो मंदिर में जाओ, भगवान से मांगो। भागो यहाँ से। अंकल प्लीज। चलो। अंकल प्लीज। चमत्कार? चमत्कार मंदिर में मिलेगा? तो ठीक है, मैं मंदिर जाता हूँ। दीदी एक मिनट, मुझे भगवान जी से बात करनी है। ये तो आप बात करोगी तो भगवान जी मैं नहीं सुनेंगे। करो बेटा। भगवान जी, मेरी दादी बहुत बीमार है, वो रोज आपसे बातें करती है, कहती है आपका चमत्कार ही उन्हें बचा सकता है, तो आप प्लीज एक चमत्कार दे दो। मेरे पास 30 रुपए भी हैं, तो आप प्लीज एक चमत्कार दे दो, मेरी दादी ठीक हो जाएगी। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी दादी बीमार है? बहुत बीमार है। तुम्हारे साथ कोई आया है? अच्छा तो फिर मुझे अपनी दादी से मिलवाओगे? आप मिलोगे मेरी दादी से? हाँ हाँ, चले। कौन कौन है तुम्हारे घर में? दादा है, मैं हूँ, दादी है। अरे वेरी गुड। दादू आप बिल्कुल टेंशन ना ले, दादी ठीक हो जाएंगी। हाँ बेटा, तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अंकल जी, डॉक्टर साहिबा, अब इसकी दादी कैसी है? बेफिक्र रहिए, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ। अब इसकी दादी बिल्कुल आउट ऑफ डेंजर है। ये तो चमत्कार हो गया, आप हमारे लिए भगवान के समान हैं। अरे नहीं नहीं अंकल जी, ये आप क्या कर रहे हैं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। हर मेडिकल साइंस तो ये चमत्कारों में बिल्कुल बिलीव नहीं करता, पर मेरे लिए ये चमत्कार से कम नहीं था, और हमारे पास इलाज करवाने के पैसे तक नहीं थे। एक मिनट, आपको ये किसने कह दिया कि इस इलाज के पैसे नहीं लगेंगे?
की फीस क्या है, लेकिन ये फीस आप नहीं, ये राजू देगा। लाओ दो मेरी फीस। दीदी कितने रुपए? मेरी फीस है पूरे 23 रुपए। हाँ 23 रुपए है मेरे पास। जोरदार तालियां हो जाए इन बच्चों के लिए, क्या परफॉर्म किया है इन्होंने। सबसे पहले मैं रिद्धि से पूछना चाहूंगा, कैसा लगा? It's a very, very, very touching story. And it made me miss my grandfather. वो हमको छोड़ के चले गए पिछले साल. The entire credit goes to all three of you. मतलब कमाल है बस, मतलब brilliant, brilliant. विवेक भाई, हाँ तो मेरे लिए एक्ट था। बटन दबा दूँ, तोड़ दूँ? तोड़ दो बटन। सुपर डुपर हिट, क्या बात है? मैंने तो बटन तोड़ दिया ऑलरेडी, मैंने तो बटन और तोड़ देती हूँ, डेस्क तोड़ देती हूँ। अरे अरे, पहले बता दूँ कि सब ने बहुत बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन चमत्कार सबकी यहाँ होता है, भगवान के होता है। चमत्कार तो आपका डांसिंग है और चमत्कार आपका माइकल जैक्सन है। आपका चमत्कार सबसे बड़ा चमत्कार था। आई डोंट थिंक इनको हमें यहाँ से जाने देना चाहिए। आपको शायद पता नहीं है लेकिन हमारे शो का टाइटल हमने इनसे चुरा है, इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज। इस अवार्ड के लिए मैं जस्ट थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जोया सोहम, यू बोथ वर अमेजिंग, बट गर्वित पहली बार सीरियस एक्ट किया तुमने, बहुत अच्छा था, अनएक्सपेक्टेड था। फॉर मी यू वर द स्टार ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। सुपर डुपर हिट, सुपर डुपर हिट। अरे मैम तीन तीन दत्तिका एक ही दिया, किसको दिया है? देखा कंफ्यूजन हो गई, आप शेयर नहीं करोगे? अच्छा ठीक है, दिल तोड़ के दूसरे को दे दे। क्या बात है। मेरे लिए नो वर्ड्स, ड्रामा भी नहीं है, कारनामा है, सुपर डुपर हिट था ये। क्या बात है। इंडिया के मोस्ट अवेटेड सिंगिंग रियलिटी शो सारे गामा पा के लिए ऑडिशंस हो गए हैं शुरू, कल सिटी ऑफ जॉय कोलकाता में है, सो बी रेडी, क्योंकि अगर इस मंच पर नहीं गाया तो भाई क्या गाया। डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन्स पर है। काजल मैम आ जाए स्टेज पर, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए भाई। हमारे ग्रैंड दादियां जो है उनकी एक विश थी बेसिकली कि आपके साथ वो डांस करना चाहते हैं। बिल्कुल, तो आई है। या तो वो तीन दिन से प्रिपेयर कर रहे थे, वो मेरे ख्वाबों में जो आए। टॉवल में तो नहीं करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं। आ जाओ हुमा, अभी आ जाओ, तौलिया लाओ।